Rap is more than just music. एक ऐसा जॉनर दैट हैज ब्रोकन बाउंड्रीज एंड टॉप चार्ट्स टू बिकम द नंबर वन चॉइस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. इस हिप हॉप हसल का रेवोल्यूशन ला रहे हैं ओजी ऑफ इंडियन हिप हॉप सीन रफ्तार, ईडीएम किंग न्यूक्लियर और रैपर सिंगर एंड ग्रैमी नॉमिनेटेड सॉन्ग राइटर राजा कुमारी, ओनली ऑन एमटीवी हसल. बॉलीवुड म्यूजिक से लेके इंडिपेंडेंट म्यूजिक तक, बड़ी बड़ी इमारतों से लेके छोटी छोटी गलियों तक, रैप म्यूजिक हैज बिकम द लैंग्वेज. रैप मेरे लिए मेरी पहचान है. रैप वो जरिया है जिसने मेरे को आवाज दी और मेरी आवाज लोगों तक पहुंचा है. It doesn't matter if you're from the streets of LA or the gullies of Mumbai. Rap, no matter where you are, the language may change, but the passion doesn't change and the fire inside never changes. आवाज उठेगी हर गली से and the best voice of the country gets a chance to be the India's biggest rap star. What's up? What's up, India? Welcome to JBL Presents MTV Hustle. Woo! ये है इंडिया का very first, very own rap talent hunt. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी गेबे गेलन मेंडोंसा. कैसे हैं आप सब? So guys, are you ready to meet our judges? Let's welcome the Bass Raja, one of the best music producers in India, the Indian EDM King. Yes, I'm talking about the one and only Nuclear. क्या बोल रहे हैं पब्लिक? 1, 2, 3, गो. इनका साथ देते हुए वी हैव इंडियन प्रिंसेस ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, रैपर सिंगर ग्रैमी नॉमिनेटेड सॉन्ग राइटर, लेट्स हियर इट फॉर राजा कुमारी. Yeah. And of course, Desi Swag Wale, one of the biggest rappers in India today. Rap ki duniya ke OG, the original gangster, Rafthar! Yeah, 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 hustle, 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 hustle! जो मैं आज लिखता हूँ वो कल दिखता है, मैं आज करता हूँ वो कल दिखता है. मेरा flow like show, मेरा flow like dough. मेरा फ्लो आए तो मेरे भाई बोले बाकियों का हो परे हो. मेरा फ्लो जब मैं जैसे जॉर्डन, ध्यान रखूं सब का मैं जैसे कोई वार्डन. कभी करूं बोर्डन फ्लाइट इंडिया में कभी फॉर मैन करे फ्लाई वो भी फ्री जैसे मार्केन. मच लाइक सब लिमिनो सिंगली से पर लिरिकली क्रिमिनल पर बोली फिजिकल स्टाइल नहीं टिपिकल. मेरे गाने समझना इनको लगता काफी डिफिकल्ट. ऐसे गानों पे हो जाते सोमल, ऐसे गानों पे होना है मुश्किल. मैं हूं गोकू किससे भिड़ाएगा बेड़ा खम खमे तू कमे हमें खाएगा.
न्यूक्लिया राजा कुमारी रफ्तार अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच जजेस. वेलकम टू JBL प्रेजेंट्स MTV हसा. थैंक यू वेरी मच जजेस. प्लीज टेक योर सीट्स. सो जजेस, वेलकम वंस अगेन. ये पहली बार हो रहा है. हाउ डज इट फील? आई मीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. मैं ये कहना चाहूंगा कि एमटीवी हसल एक शो नहीं है, ये रेवोल्यूशन है. ये इंडिया के यूथ को एक आवाज देने वाला है, जो आवाज बहुत दिनों से दबी हुई थी. वाओ, राजा कुमारी, I'm so excited to be here. I mean, I've came all the way from Los Angeles to pursue my dreams of music in India and around the world, and hip hop made that possible for me. And being one of the only female artists that gets to be on this level performing for people, I want to encourage more women, more girls to come out. So to be part of history, to be representing women here today, I'm so thankful and so excited that MTV is doing this. Amazing. And finally, the man with all the signs. Yeah. So basically, this is Kalamkar. This Kalamkar. Is the music label that I've started, Kalamkar. And it's exactly what MTV is doing as well. बहुत बड़े लेवल पे. हर साल नई आवाज, हर साल नई कहानियाँ, हर साल स्टेज और बड़ा होता जाएगा. This is where everybody comes and speaks the truth. यहाँ पे आपको सच बोलना है, और उसके बाद अगर आपको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, an artist doesn't need anything more, man. Absolutely. A round of applause for that. That's fabulous. Well, judges, हमें ये पता है कि आज यहाँ इसी स्टेज पे ऑडिशंस होने वाले हैं, लेकिन इस ऑडिशन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, प्लीज टेल अस. हमारी एमटीवी हसल की टीम ने पूरे देश भर में घूम के हजारों रैपर्स को चुना. उसमें से यूनिक 40 को हमने ऑडिशंस देख के, उनके वीडियोस देख के उनको चुना. अब आज जो ऑडिशन देने आए हैं, उसमें से हमको जो इम्प्रेस करेगा वो जाएगा एक लिस्ट में, पर उस लिस्ट में से सिर्फ टॉप 15 आगे बढ़ेंगे, जिनको उन सोफास पे, उन सीट्स पे बैठने का मौका मिलेगा. तो बहुत जरूरी है कि आज आप सब उस लिस्ट पे उतरें. तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड गर्ल्स, मेक श्योर यू इंप्रेस अस. लेट द हसल बिगिन. ओके देन, इस हफ्ते होगा ऑडिशन राउंड. रैपर्स को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर राइटिंग, रैपिंग फ्लो एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस. एंड लेट मी टेल यू, द विनर ऑफ JBL प्रेजेंट्स एमटीवी हसल गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू बी साइंड बाय एमटीवी म्यूजिक प्रोजेक्ट फॉर 3 years. इसके साथ साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू फीचर इन वीडियोज शॉट बाय एमटीवी म्यूजिक प्रोजेक्ट. एंड the winner also wins 5 lakhs worth of JBL professional equipment for their personal studio. This is it, guys. This is what our hustlers are fighting for. Are you guys ready to see them? We're ready! All right, friends, so let's hustle. आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम है अक्षय कुमार. अक्षय कुमार, वाह वाह, बड़ा नाम. अक्षय कुमार जो मेरा नाम है, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है. अक्षय कुमार हमारा बहुत फेवरेट था. हमारे पालों का स्टाइल भी वही होता था, कमरे में पोस्टर लगाना और उसके गाने सुनना. तो इसलिए जैसे ही अक्षय हुआ तो दिल किया कि इसका नाम भी अक्षय कुमार रखते हैं. उन्होंने मेरा नाम अक्षय रख दिया एंड कुमार हमारा सरनेम था, तो अक्षय कुमार बन गया. उसकी हरकतें जो है वो भी बिल्कुल अक्षय कुमार जैसी थी. फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार का नाम है. एक दिन मेरे बेटे अक्षय कुमार का भी नाम होएगा. वो भले हीरो बने या ना बने, लेकिन सबसे अच्छा रैपर जरूर बनेगा. तो अक्षय कुमार नाम था, कुमार से कुमार हटा के जैक कर दिया, बिकॉज
लाइक अक्षय ए से स्टार्ट होता है एंड जैक जी से स्टार्ट होता है, तो ए टू जी जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सारे मेरे हैं. सो इट कॉन्स्टिट्यूट मी एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड अक्षय जैक. एंड मैंने ये मेरी एक स्टोरी है कि लाइक अक्षय एंड जैक आर टू डिफरेंट पीपल. लाइक मैंने ये अपने लिए एक सोच रखा है. आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय द वे. सो कि जब मैं अपने रैप से अपनी एनुअल सैलरी का डेढ़ गुना कमा लूंगा तो मैं अक्षय हटा दूंगा नाम, सिर्फ जैक रखूंगा. अभी मैं दोनों नाम यूज करता हूं जस्ट बिकॉज मैं दोनों चीजें साथ साथ कर रहा हूं, नौकरी भी एंड रैप भी. क्योंकि पैशन के साथ हाँ कमानी है खुराक भी, खैरात में नहीं मिलती रोटी, तंग है हालात भी. I relate with the two characters because my asli naam is Sweta Yella Pragada Rao. And she's a classical dancer, but Rajkumari comes on stage, you know. Rajkumari, so, I go harder than anybody. Hey! Rajkumari. Okay. अक्षय कुछ अपने बारे में बता कि कैसे रैप स्टार्ट किया, रैप से नाता कैसे जुड़ा. मैं पहले गाने गाता था, मैं कीबोर्ड बजाता था, फर्स्ट क्लास में मैंने सीख लिया था. तो टेंथ तक मैंने सिंगिंग की. सो आई वाज एन एंटरटेनर. मैं जो भी मेरे आगे बैठते थे या जो भी मेरे पीछे बैठते थे, मेरा एक फ्रेंड था वो टेबल बजाता था एंड मैं गाना गाता था. टेंथ के बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया तो इलेवंथ में जो पीछे बैठता था उसको रैप पसंद था. सो आई टुक इट ऑन माई ईगो के यार मैं इसको गाना सुना रहा हूँ, इसको पसंद नहीं आता. ये बोलता भाई रैप कर सकता तो बात कर, वरना यू कैन नॉट एंटरटेन मी. आई वॉज लाइक ओके रैप क्या होता है. तब मेरे को रैप की स्पेलिंग पता थी WRAP. तो बोलते Eminem ऐसे कोई रैपर है. तो मैंने स्पेशल जस्ट अपनी ईगो के लिए पूरा रैप याद किया मॉकिंग बर्ड Eminem का एंड उसको सुनाया कि भाई ले. एंड एवरीबडी वॉज लाइक ओ भाई इंग्लिश इतनी फटफट फटफट इंग्लिश बोलता है. तो आई वॉज लाइक ओके. फिर मैं दूसरे थोड़े और रैपर से मिला तो वो बोलते कि भाई रैपर वो होता है जो खुद लिखता है. तो आई वॉज लाइक ओके खुद लिखना पड़ेगा. मैंने कहा ओके मैं लिख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. यही तो चाहिए यार. तो सीधा मुद्दे की बात पे जाते हैं, रैप सुनते हैं. लेट्स प्ले द बीट. रफ्तार भाई लोग बोलते हैं मैं इसका बाप, मैं उसका बाप, मैं गरीब हूं, मैं ये फलाना ढिमकाना. दैट्स नॉट रैप फॉर मी. पता है क्यों? क्योंकि बड़ाई करने का मुझे शौक नहीं. सभी यहाँ बढ़िया, यहाँ पे कोई फ्लॉप नहीं. डिस करने का मुझे पे कोई आरोप नहीं. रुक जाओ मैं कोई स्कोप नहीं. 10 साल लेके कभी कम मेरा जोश नहीं. होश में नहीं होता जब लिखता मेरा जैसे नार्मी और रेज ऑफ किलिंग करे ठा ठा ठा. बचने का कोई हो रोक लो मुझे अगर दम में हो दम. रुकने नहीं वाली ये कलम ना करम है बरम. तो कदम मेरे रोक के दिखाओ ना ना रुकने नहीं वाला. मैंने रख दिए सो के नहीं होने थे ये सपने. ये पूरे मेरे अपने भी बोले के खास है आवाज तेरी आग है फवाद में नवाज है विचार तेरा. कब से लगा पड़ा पर आज है आगाज मेरा अरदास ये नमाज मेरा. भाई देख दो तो कश्तियों में है सुधार तेरा. नौकरी भी और क्योंकि भाई जिम्मेदार तेरा. डेटा साइंटिस्ट तैयार कर लगा तेरा. चुप क्यों बैठे तुमसे सवाल मेरा. हूट कर दो यार नाम मेरा नाम मेरा ना. अंडरग्राउंड में पहले थोड़ा हिट आऊं पर सलाम है आवाम को जो देखा संग्राम मेरा कोहराम. मजा है यहां पे जो जैक का रैप से कभी ता ही नहीं वास्ता. ऐसा होता तो रब सपने संवारता नहीं. जोहरी हीरे को यार यूं ही नहीं तराशता. हताशता मैं जब उड़ता मजाक था. मजाक से ही आसमान तक जाऊंगा. रफ्तार न्यूक्लियर देखो सामने तो देखना. मैं हासिल के फिनाले में भी गाऊंगा. राजा मैं आपके साथ सेल्फी खिंचाऊंगा. रिश्तेदारों को जाके वही तो दिखाऊंगा. मेहनत है जरूरी तो मुझे पसीना छोड़ो. खून भी बहाना पड़ेगा तो मैं बहाऊंगा. मर जाऊंगा पर सपने रहेंगे जिंदा. जिंदगी मेरी कब लेकर देना खात्मा. आखिरी सांस तो फिर रात बाहर आएगा. यही है शरीर मेरा यही मेरी याद मेरी याद. यही है शरीर मेरा यही मेरी याद. बोलो 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 बोलो. यही है शरीर मेरा यही मेरी याद. यही है शरीर मेरा यही मेरा आत्मा. थैंक यू सो मच. 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 Zach! Yes, sir. जान डाल दी तूने यार यहाँ पे ना. सच बता रहा हूं तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है. तू खिलाड़ी ही है और जिस तरीके से तू तराश के लाया है बहुत छोटी छोटी खामियां हैं पर वो ऐसी खामियां जिसको नजरअंदाज करी जा सकती है. कोई दिक्कत ही नहीं, सब गलतियों से सीखते हैं. और कौन सा तेरा ट्रैक है? तूने लाइव परफॉर्म किया, सांस जा रही थी, तूने मैनेज कर लिया किसी भी तरीके से. सो के नहीं होने थे ये सपने. ये पूरे मेरे अपने भी बोले के खास है आवाज तेरी आग है फवाद में नवाज है मिजाज तेरा. कब से लगा पड़ा पर आज है आगाज मेरा अरदास. यू इंटरेक्टेड विद देम, टोल्ड देम टू बी अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. चुप क्यों बैठे ये तुमसे सवाल मेरा. हूट कर दो ना यार नाम मेरा नाम मेरा ना. अंडरग्राउंड में भले थोड़ा हिट आऊं पर सलाम है आवाम को जो देखा संग्राम मेरा. तो तूने अपना क्रू इतना बड़ा कर लिया
कि मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। अब राजा कुमारी कुछ बोलेंगी, ये कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम तोलेंगे। बोलिए सर। I agree with Raftaar. Your stage presence was amazing and the crowd interaction was really on instinct. You know, that's something that you can't teach. So there are some things that you can work on, you know, with the breath control and the timing, but everybody needs practice. It's okay. Sab abhyas karna chahiye. Sab abhyas karna chahiye. What's for? Sab abhyas karna chahiye. यार यहाँ पे है ना स्टेज पे आके ना जान निकल जाती है लोगों की, जब देखता है ना इतना सारा ऑडियंस पहली बार इंसान। आप जिस एनर्जी से यहाँ पे आए, जिस एनर्जी से आपने परफॉर्म किया, टॉप नॉच। और एक चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि संगीत सीखना बहुत जरूरी है। उसने सीखा है, वो बजाना जानता है, इसलिए उसको मालूम है कि उसकी आवाज को कब वो ऊपर लेके जाएगा, कब नीचे लेके आएगा। और ये रैप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको समझ में आती है उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसकी परफॉर्मेंस एक नंबर हो जाती है मेरे भाई। थैंक यू सर, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। मैंने अपने सबसे पहला ट्रैक लिखा था तो वो ना मतलब लाइक मैंने अपने 9 to 5 पे लिखा था, क्योंकि इट्स रियली अ हसल फॉर मी कि मैं 9 से 5 छोड़ के छुट्टी लेके ईमेल्स डाल के क्लाइंट्स को झूठ बोल के यहाँ पे आता हूँ, कभी बीमार होके कभी कैसे। अभी भी वो पता नहीं क्या देख रहे होंगे, मतलब जब वो देखेंगे तब उनको एक्चुअली पता चला कि मैं बीमार नहीं था, मैं यहाँ पे था। ब्रो, हसल के बिना कुछ हासिल नहीं होता और मेहनत के बिना कोई काबिल नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तू रैप को कहाँ लेके जाना चाहता है और रैप से तेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है? सर, मेरे सामने जहां था फिर भी फंस गया मैं क्यूबिकल में, म्यूजिकल था फिर भी कुछ घुसा ना मेरी इस अकल में, वो शकल में देखता जो देख नीनी इस जन्म में, झेलता मैं उनको जिनको झेल नानी इस सफर में, क्या कबर में बैठ कर मैं कोड कोड खेलूंगा, बेसबर रिलीज पर मैं बग्स को टटोलूंगा, बग मिला तो बग जिला पर रेज करता डोलूंगा, फिर ना मिला तो कर गिला मैं सबको यही बोलूंगा कि डिग्री कर ली यहां वहां से इसी बात का गुरूर है, ये कोडिंग का फितूर नहीं इट्स जस्ट दैट हम मजबूर हैं, 9 से 6 के मजदूर हैं, जनरेटिंग का दस्तूर है और टेंशन जब बढ़ जाती है तो ठेकों पे सुरूर है। भाई ये मोटिवेशन कहाँ से आता है आपके अंदर? सर, बिना रैप के तो इट्स लाइक बिन रैप के मैं जैसे ठंड में रजाई ना हो, बिन रैप के मैं जैसे दूध में मलाई ना हो, बिन रैप के ये जिंदगी नहीं जीनी मैंने, चाहे पास मेरे सूखी रोटी तक की घिराई ना हो। जब कोई बंदा बहुत दिल से कुछ करना चाहता है ना तो उसकी वो आंखों में दिखता है। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक हम भी अब डिसीजन टाइम, लेट्स गो इनटू द जजमेंट। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप पहले यहाँ परफॉर्म करते हो, फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, उसमें से टॉप 15 लोग जाके फाइनली वहां बैठेंगे। ठीक है, लेट्स गो इनटू द जजमेंट। अक्षय भैया, सर आप तो सिर्फ रैप में ही बात करते हो, ऐसा नहीं सारे गाने इधर ही गा दोगे तो बात के लिए क्या रहेगा? बहुत गाने हैं सर, बहुत गाने हैं, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। योर एंड माय ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम गोना गिव अ यस। यू आर ऑन द लिस्ट माय ब्रदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर सर सर, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि सर मैंने जब भी स्टेज परफॉर्मेंस स्टार्ट करी है, मेरे को 3-4 साल हो गए सर, जहाँ भी मेरे को मिलता है शादी में कहीं पे भी आई गो एंड परफॉर्म, तो सर मैं सबसे पहले स्वैग मेरा देसी गाता हूँ सर। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस। ये मौका तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
God bless you, my brother. So, ladies and gentlemen, Akshay Zack! I thought it was really wonderful that he was living his happy moment. Like, you could see every time he had a chance to rap a new song, he just wanted more time on this stage. And that's what this is about, giving people a chance to see themselves on a stage like this. So I'm excited to see what he's going to bring. Are you guys excited? Ha! Okay, let's bring in the next contestant. Who's the next rapper? अरे शक्ल नहीं दिखाएगा. अच्छा चल नाम तो बता दे. वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा रैप करके दिखाएगा मेरे को ऐसे. अच्छा चल ठीक है, चल तू रैप कर. चलो बीट के बिना रैप करो पहले आप. 1993 बंबई 70 के अगवाड़े पिछड़े हुए टुकड़े में पैदा हुआ पला बड़ा जिंदगी थी रफ. यू साउंड सो मच लाइक नेजी. यार ब्रो यहाँ पे इधर ऐसा ओरिजिनल गाने का, ये दूसरे लोग का नहीं गाने का. नहीं सर मैं खुद बनाया है, मैं खुद बहुत दिन से बनाया है गाना है मेरा. ये नहीं ऐसा नहीं चलता इधर, ओरिजिनल चाहिए बस. ओरिजिनल है तो ब्रो का वरना प्लीज आई विल हैव टू से नो टू दिस. ओरिजिनल चाहिए क्या तुम्हारे को? हाँ ब्रो. क्या बोल रही है पब्लिक? इतना मुश्किल हो गया था ना मेरे लिए, क्योंकि मुझको तो पता था मेरा भाई आ रहा है, मुझको पता था बा आ रहा है. एंड दिस गाइस आर सेइंग इट एंड आई एम लाइक अरे क्या बोलूं मैं क्या नहीं बोलूं. पर मेरे भाई आप आए हो तो उसको खत्म कर दो पूरा. और क्या भाई अब तो गाना ही पड़ेगा क्या? मास्क शो का नाम हसल है भाई, अपन लोग हसल करते हुए आ रहे क्या? असल वाली हसल तो थोड़ा असल उसल हो जाए क्या? मसल दे दे क्या? बचाओ बचाओ बचाओ. मचा डालो नेजी दब्बा. बॉम्बे शहर यहाँ पे हर दिन है हस. नेजी दबा नेजी दबा नेजी दबा. शेर आया एक शेर आया. बंटा है बच्ची भवान. क्या बोल रहे लिए पब्लिक? तुम फिर से आ गए ले क्या? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, करके बीट को तबाह हमारे बीच में आ चुके हैं नेजी दबा, वन ऑफ द ओरिजिनल गली बॉयज. इंस्पायर्ड अ मूवी, हैज बीन इंस्पायरिंग अ लॉट मोर पीपल. काफी लोगों को सिखाया कि गली से बाहर कैसे आना है. मेक सम नॉइज फॉर नेजी दबा.
भाई आप क्या ढूंढ रहे हो रैपर्स में? आपको कैसा रैपर चाहिए? मुझे एक ऐसा रैपर चाहिए जो फुल आफत हो. आफत हर तरह से आफत. डिलीवरी, स्पीच, वोकल, टेक्सचर, स्टाइल, हर चीज में आफत हो. मैं एक ऐसा रैपर ढूंढ रहा हूँ. एकदम टिका के, मतलब सब कुछ छोड़ा ही नहीं कुछ भी. गिव इट अप फॉर नेजी द बॉय वंस मोर मैन. तो अब पब्लिक तैयार अपने अगले कंटेस्टेंट के लिए. रफ्तार भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया. क्या मतलब लुक वुक एकदम डिफरेंट है यार, क्या बात है. बस ये शो की वजह से. क्या बात है. कुछ बोलना चाहता हूँ. बोलो ना सर. MTV असल ये मंच पे आने के लिए मतलब काफ़ी वक्त लग गया. मैं काफ़ी वक्त से हिप हॉप कर रहा हूँ. मैंने 2016 से चालू किया था, बट कभी कहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी या नहीं मिला. और मेरा एज 26 है, मैं अकेला लड़का हूँ. सो दैट्स वाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे पे. मेरे और चीज़ बताओ, उम्र से क्या लेना देना म्यूज़िक का बे? घर वालों का प्रेशर है. मेरी बहन ने 2012 में सुसाइड किया था. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. मेरी मॉम काम पे जाती है, मेरे डैड भी रोड पे कपड़े बेचते हैं. मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दिया है. मेरा 30,000 रुपीज सैलरी था जो मैंने छोड़ दिया जस्ट फॉर रैपिंग. मेरी मॉम है जो मुझे आज भी सपोर्ट कर रही है. डैड ने घर छोड़ दिया है. तो बहुत गंदी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ. इतने वक्त के बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो घर वाले भी एक तरीके से हार मानने लग जाते हैं. मैं आज आपके साथ ये बात मेरी शेयर करना चाहता हूँ. मैं जब गोवा शिफ्ट हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी, तब गोवा शिफ्ट होने के बाद मेरे ख्याल से मेरी उम्र 32-33 साल की थी उस वक्त. और मैं मेरे बैंड के साथ नहीं था, तो वहाँ से मुझे काम नहीं मिलता था. और मैंने नया नया शुरू किया था, कोई मेरे बारे में जानता नहीं था, तो मेरे को फिर भी काम नहीं मिलता था जी. मैं करीबन 3-4 साल तक काम के बिना था, बिल्कुल काम के बिना. और ऐसी हालत थी कि खाने के लिए भी हम लोगों को चवनियाँ ढूंढनी पड़ती थी पाव खरीदने के लिए. पर जो गिरता है वो ही चढ़ता है, समझ रहे ना? शेट्टी भाई तुमने तो फुल मचा दिया आते साथ भाई जी. हाँ भाई के लिए एक बार आवाज करो क्या. और अभी जितना आप उसको सहमा हुआ शांत देख रहे हो ना, जब बीट गिरेगी ना तो यहाँ विस्फोट होगा, मेरी गारंटी. तो फिर बीट गिरा दी जाए. अपस्ता हिप हॉप जो RSVP सोल्ड आउट, सब इंडिपेंडेंट सीन में मचा रहे इन द क्राउड लाउड. कुछ खोटे फेक रैपर्स कोटा बसते पाव पाव, जो असली बसते उनको दिल से सीधा शाउट आउट. हिप हॉप कैसे देखो इंडिया में आया, जैसे 90s के टाइम पे टुपाक ने मचाया. जेजी Eminem भी की ना स्मूथ चाचा इधर नेजी गली गैंग एमीवे स्टोनी साइको तारा भी से एनिमीज जो पटेलिक शबंदिश पब्लिक साथ पंटा से या ले लो अवृति TMC सीधे मौत के KG ETC और भी सारे रैपर जो भी है मचा रहे इन द सी. BBC लाया वो भी इंडिया में मीडिया पे. MTV ने बचाया अंडरग्राउंड को TV पे. इतिहास लड़की दारू पैसा भी फरारे क्या कमाले इंडस्ट्री में भी गली बॉय मचा रहे. आ सब तैयार है के साथ मेरे झूमो सब रैपर एक साथ है किसी को भी सुनो. चाहे हो बैटल साइफर डिस हो या कोलैबोरेशन बस बस आ रहे हैं पॉप इसी का है सेलिब्रेशन. ये नया दौर है जो छपेगा पन्नों पे कमर्शियल से अंडरग्राउंड की ये करतूते. क्या होता इंडिपेंडेंट लेबल की ये हरकते. लगा के पैसा आया कोई खुद के बलबूते. अब बस खुद के बारे में मैं थोड़ा तो कहना. मैंने भी सीखा सबसे देखा सबको लिखते गाना. स्टूडियो में आना जाना टाइम पे खाते नहीं है खाना. सेल्फी देते तुमको जो है मैगी खाते सोते. तू नहीं जानता कुछ नहीं मानता जैसा दिखता बिल्कुल बनता बिल्कुल बनता. सॉरी ओके सब लोग साथ में गाओ. यो अब बसता है पॉप जो RSVP सोल्ड आउट सब इंडिपेंडेंट सीन में मचा इन द क्राउड लाउड. कुछ छोटे फेक रैपर्स छोटा बसते बाव बाव जो असली बसते उनको दिल से सीधा शाउट आउट. अब बसता है पॉप
बजते फेक रैपर्स कोटा बजते पाव पाव जो असली बजते उनको दिल से सीधा शाउट आउट शाउट आउट टू एवरीवन जो लोग हिप हॉप करे सबको शाउट आउट बीफ बजे डिस करे कोलैब करो कुछ भी करो हिप हॉप बजने दो भाई इंडिया में हिप हॉप की जरूरत है बहुत थैंक यू लव यू दिल से सीधा शाउट आउट सेटी सा को मेरा शाउट आउट बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हार्ड शेट्टी भाई मचा डाले तुमने तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत रिस्पेक्ट ओके बेस्ट बात बताता हूँ तेरी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो दूसरों को एक्नॉलेज करते हैं इसने आके सबको क्रेडिट दिया है जो भी इसके एज ग्रुप का है जिसको भी इसने सुना है जिससे भी इंस्पायर हुआ है इसने हर बंदे को उनका क्रेडिट दिया है चाहे वो राज जोन्स हो चाहे वो नेजी हो स्टोनी साइको केकेजी सीधे मोहत एमीवे और डिवाइन और गली बॉय और डीएमसी हर एक इंसान को शाउट हाँ मतलब इतने सारे लोगों को शाउट आउट दिया गाइस तो ब्रदर आई रिस्पेक्ट यू मैन लव यू रफ्तार भाई लव यू शेट्टी भाई जी और गाना है आपके पास एक और जी जी है एक और गाना है बहुत सुन सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल इसका एक गाना है जिसमें ये बोलता है कि मेरा मन करता है रैप छोड़ दूं क्योंकि पब्लिक समझ नहीं रही है वीडियो पता है कैसी है अपने किचन में खड़े होकर चाय बना रहा है वही वीडियो है उतना ही वीडियो है उसका उतने में पूरा रैप कर दिया और हैवी एकदम लेट्स रोल द बीट प्लीज मैं लिखता हूँ दिन रात मरा के नहीं जानता तो कुछ भी कब खाता हूँ मैं बैठा हूँ घर पे 26 उम्र में दिल करता छोड़ दूँ रैपिंग फिर सोचता हूँ क्यों छोड़ बे जब देखता हूँ कल के बच्चे ये साले सब ऐसे है बसते सब एक जैसे लगते नहीं रखते कॉन्सेप्ट जब बोलू मैं सच तो होता है दर्द क्या करूँ मैं नहीं जमता फेक अब यही है सच तो काहे का डर मैं सबको अब खालूंगा देख मिक्स मास्टर करना नहीं पैशन है फिर भी मैं तुझसे हूँ बेहतर क्यों इतना तो सोच शुरू किया मैंने रैपिंग था 2016 में जानता क्या कुछ भी तू बोल हर दिन मैं नया कुछ सीखता नहीं करता मैं वही क्या लगता मैं सब जैसा बोल सुनते तो सभी होंगे मुझको पर कितने आर्टिस्ट ने आज तक किया सपोर्ट इसके मन में इनसिक्योरिटी डरते हैं कि अगर मैं फैल गया तो सबको आज मालूम है कि क्या हूँ मैं चीज अननोन के आते हैं कॉल्स नहीं रुकना मुझको प्लीज मत करो ट्रिप पैसा भी आएगा कब मुझको तो चाहिए था पीस नहीं करना डिस तभी तो शाउट आउट दिया लेकिन मुझे लगता है कोटे मैंने सोचा सभी अपने सपने शॉर्ट करे भाई के साथ बस अभी करे बक बक हटा दिया बीट कोटे कोटे बज मत क्यों करे काम राहुल पाड़ा दैसर ईस्ट बॉम्बे 4006 8 आ जा तुझे जानता मेरा घंटा मेरी जनता वो प्यार मुझे मिलता कभी भी आके तू मुझको मेरे ही घर पे तो मिल नहीं करता मैं कभी चिल 10x10 का है घर एक एकड़ का है दिल नहीं भूलूंगा मैं ये दिन भरने कितने तो बिल्स बनते जो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं करता मैं किल किसको क्या पता कल को क्या होगा मेरे जीवन में किसको क्या पता कौन से फल मुझे मिलेंगे किसी सीजन में किसको क्या पता कितनी मेहनत करी कौन से जॉब्स मैंने कब करे कभी ऑफिस बॉय कभी कॉल सेंटर कभी इंजीनियर वो भी सिविल में छोटे मैंने कभी रुका नहीं चुका चाहे जो भी था हुआ मैंने सीखा कभी खड़ा हुआ चलूंगा मैं बड़ा कभी आगे कैसे चला मैं तो सबसे कैसे लड़ा पूरा खा लूंगा मैं प्लेट चलने भी मुझे रोका छोटे छोटे सारे देते धोखा मुझे देते वही तो सर हाइट जाना छोटे गला मेरे आगे छोटे बजने सीधा करूंगा मैं बैठ करके बनाऊंगा कुत्ता करूंगा मैं चीट पार्ट मारूंगा मैं दिन रात खा लूंगा मैं बीटा सीन करूं बलता काम करूं उल्टा सब मुझे चलता सीन मैंने पलटा चलना बे अट जा शांति है जनता कान मेरा मत का सर से उसटका साठ सीधा फटका चलना बे वट जा तुम साले बर्फ से भी ठंडे तुम सारे दिखते भी नहीं कोई भी मेरे आसपास क्या हो गया आजकल के रैपर्स को कुछ भी नहीं समझ रहा मतलब तो होना चाहिए गाना बनाने का कोटे ये सबको मजाक लग रहा फ्लो क्या होता है सबको समझा क्या होता है बीट का फील क्या है लिरिकल स्किल्स क्या होते राइमिंग के स्कीम्स क्या होते बार्स क्या होते एडिटिंग स्किल्स क्या होते रिदम के लॉ क्या होता पोइट्री क्या होता बीपीएम बोल क्या होता नंबर और व्यूज क्या होता कंटेंट क्या होता फेम अप टू बोल क्या होता गानों में मैसेज क्या होता मीनिंग क्या होता मतलब इनका सबको हो जाती है तकलीफ में लेता नहीं जबकि मैं खोलूं मैं सबकी और कहता मैं अभी की मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मेरे ने 2 10 भाई बोलने को 11 फटे रोल 12 फटे छोड़ 13 फटे रोल 14 फटे 15 बने रोल 16 फटे जोन 17 रात रिकॉर्ड करने को 18 लाख से कूदाऊंगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हरे बड़े बोल 10 हरे बड़े बोल 11 घेरे रोक 12 मेरे बोल 13 ठंडे लोग 14 करे बोल 15 बने मोल 16 तेरे लोग 17 साल सितार मेरे को 18 साल से पिटा रहा खोलू तो चल हो गया तेरे को और प्रूफ नहीं करना भाई और तेरे को कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं है थैंक यू फॉर सिंगिंग द सेकंड सॉन्ग एज वेल डूड शेट्टी भाई जब आप इस मंच पे आओगे ना गाना सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं आप कहाँ से आए हो हम ये जानना चाहते हैं आपकी कहानी क्या है और ये जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वहां पे खड़ा हुआ इंसान कौन है
ये जो दूसरा गाना था ना, ये पहला गाना होना चाहिए था, ताकि हमको समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हो. दिस सेकंड सॉन्ग इज द रीजन व्हाई आई वुड वांट टू पिक हिम. जो आप कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ, और इसलिए सहमत हूँ क्योंकि इसकी किस्मत थी कि मेरे को पता था इसके पास क्या क्या है. थैंक द लॉर्ड फॉर दैट. ब्रो, ऐसा हमेशा नहीं होगा. तू जहां पे जाएगा उनको क्या पता कि तूने कौन से गाने बनाए हैं. मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि तू थक गया और उसके बाद तूने एक्सक्यूज नहीं बोला. आप चोप नहीं कर सकते स्टेज पे. शेटी ऊपर देख, नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं. कभी नीचे नहीं देखना लाइफ में. उसमें कमियां हैं. काफी स्कीम्स चेंज हो सकती थी, काफी वर्ड्स राइम कर सकते थे तो सूट नहीं जाते. ही नोज व्हाट ही हैज टू डू. ही जस्ट नीड्स टू बी करेक्टेड. एंड ब्रो, ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस. तेरे को इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है. और तू बहुत पावरफुल है, किसी का डर मत ले अंदर. सॉलिड है. मेरे पापा रोड पे कपड़े बेचते हैं. पिछले कई सालों से वो चटाई डाल के बच्चों के कपड़े बेचते आए. चोरी तो नहीं करते ना, लूट नहीं मचाते ना, किसी का गलत नहीं करते ना, क्या दिक्कत है? 4 साल से ये जूते पहन रहा हूँ. तो क्या हो गया? ये उड़ी मैंने हर गाने में पहना. अरे उसमें लिखा है क्या 4 साल हो गए मेरे जूते को? या तेरे कपड़ों पे? ये तेरे कपड़े रैप करेंगे या तेरे जूते? पब्लिक, शेट्टी के लिए आवाज करो तुम सब लोग. किसके लिए रैप करता है तू? मैं रैप जो है इज्जत पाने के लिए करता हूँ. सुनेगा कौन? लोग सुनेंगे, पब्लिक सुनेगी. पब्लिक क्या कह रही है अभी? पापा चटाई पे कपड़े बेचते हैं, चोरी नहीं करते. उस चटाई को गद्दे में कौन बदलेगा? मैं बदलूंगा. शेट्टी है ना तू, सा है ना, सा का सांप बनाना है. अभी डिसीजन टाइम है. What do you say about him, bro? कुछ तो बात है इसमें जो मुझे एकदम से ना बोलने के लिए राजी नहीं कर रही. लेकिन टेक्निकल इशू हुआ है उसके साथ, जो मैं समझ सकता हूँ. मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ. हाँ जी, हाँ जी. लेकिन यहाँ शो पे तुम उसका वो बहाना नहीं बन सकता है. ओ, मेरी तरफ से तो ना है. Well, you know I'm your fan. I heard your story and I was inspired by it and I connect with you on how you're going to be resilient and how you're going to change how people see things. I believe in you. It's a yes from me. Thank you. शेट्टी मेरे भाई, तेरे में सब कुछ है. जो एक चीज नहीं है पर तू उस पे काम कर सकता है, वो है ताकत और हिम्मत. मैं चाहता हूँ कि तू वो बिल्ड अप करे. जी, मेरी तरफ से हाँ है. थैंक यू. तू शॉर्टलिस्टेड है और तेरे को लड़ने का एक और मौका मिलता है. थैंक यू सर. सागर शेट्टी ने जिंदगी के हसल से लड़ने के लिए रैपिंग को जरिया बनाया.
और इस रैपिंग ने उन्हें आज एक पहचान और इज्जत से नवाजा। सागर शेट्टी की तरह और भी लोगों ने अपने रैपिंग का जलवा दिखाया। मैं जीवन जी लूं मंच पे, मेरा मंच ही हो शमशान। काहे ना भय मोहे जग शान, काहे ना जग मोहे भय। What you did today was very important because you're bringing in the ancient to the modern, and by putting it into a rap song, you're able to subliminally, you know, affect the youth. मेहनत के रास्ते पर चल के जीता मेरे प्यार सभी का, खैरात नहीं है किसी की ताज, जंग में जीता है मैंने इसको, हर मैदान फतेह कर पाया नाम खलीफा। बहुत हार्ड, बहुत खतरनाक। जब मिली मुझे लड़की मेरी जेब बिल्कुल कड़की, बिंदिया जब उसने वो मुझ पे खूब बढ़ गया। ऐसा है कि जो आपने लिखा है ना, वो बहुत कॉमन चीज है। You should come back next year as the best version of yourself. Seedha saada banda hoon main rakhu kaam kaam se jaam se apni fasa leta main pariyon ko tabhi to naam mera aaj in kudiyon ki zuban pe bol mera tujhe kya dikkat hai apne ko mera mera seen pura jag hai bol mera tujhe kya dikkat hai apne ko mera mera seen pura jag hai rap karna alag cheez hai aur gaana alag cheez hai aur agar aap un dono ko mix kar do to wo ekdam lethal combination ho jata hai to ye ek number hai mere bhai अरे You're on the list. लेखकों का स्वागत है मेरे तरफ से भी। हाँ, जिसके शब्दों में ताकत है तेरी तरफ से ना, तू पक्का शॉर्टलिस्टेड है। मेरी तरफ से हाँ। Okay, ladies and gentlemen, are you ready for the next contestant? कर देवे क्या हसल बा कर देना। This is your Rocco, baby! Beautiful stage, beautiful people, thank you. क्या नाम है सर आपका? My real name is Arpan Kumar Chandel. और stage name King है। ओहो। मैं भी राजा हूँ। राजा। अपने बारे में कुछ बता दो मेरे भाई। मैं 22 साल का हूँ और मैं प्रोफेशनली फुटबॉल खेला करता था। नाउ मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ और पिछले 3 साल से म्यूजिक प्रोडक्शन, रैपिंग और ऑल इनटू म्यूजिक और ये सारी चीजें कर रहा हूँ। जो भी करा, जो भी बना, जैसा भी करा, सब अपने दम पर है। दैट्स व्हाई किंग मैंने चूज करा है। ठीक है, तुमने बहुत बात किया, बताओ तुम क्या लेकर आए अपने साथ? मैं माहौल लेके आया हूँ अपने साथ। बनाओ फिर माहौल, बनाते हैं। So let's play the beat, guys. Oh. Yeah. Oh. Oh. Hey. शायद वो मेरे जहाँ क्लासी नहीं होगा, बदन मिले तेरा तब राज जब भी होगा। तूने जो ना फर्ज चुकाए रिश्ते का, कभी सोचा तेरे संग नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं माए बार वाला सीन बनाता नहीं, करके ट्रेंडी चीजें तुझे फंसाता नहीं। एक पेस में 10-10 को हिलाता जरूर, एक प्लेट में 10-10 को खिलाता नहीं। मेरी उम्र अभी तो बस 22 है, अपने दम पे लाइफ किंग साइज है। मैंने माना तेरे यार सा अमीर नहीं, पर सारे मेरे भाई खड़े एट अ टाइम है। मैंने कर कर शोर तेरे नाम का, बना दिया है माहौल तेरे नाम का। चाहे तू मुझे चुपचे सुने फिर गाएगा, वो भी जो मुझे अभी नहीं जानता। सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है। कभी ना इनकार किया मैंने, प्यार तुझसे ही किया है। दुआ मुझे तेरे लग जाए, रू मेरी यू तड़प जाए। घूमू तेरे लिए दर बदर, मैं बेसबर यू तेरे माहौल में खोया रहूं। बस पैसा हर बात पे, प्यार भी सलामी ठोके नोट रखूं हाथ पे। तेरी ना सुनूंगा प्यारी बात है कसम से, मैं दिल का टूटा हूँ कैसे करूँ एतबार। मैं मेरे सामने नच दिया,
कुड़िया बड़ी अतसियां नखरे वखांदे कुर्तिया तंग बोली बेबी तेरी गला टू मच सियां प्यार कर मैनू हौले तेरे गाने ने किया ऐसा माहौल है मैं टप टप जांदी बीट पे बैठी सीट पे बड़ा सही लगे मुझे तेरा फ्लो है मैं हैवी कर कर शोर तेरे नाम का बना दिया है माहौल तेरे नाम का चाहे तो मुझे चुप से सुने फिर गाएगा वो भी जो मुझे अभी नहीं जानता सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है कभी ना इनकार किया मैंने प्यार तुझसे ही किया है एवरीबॉडी दुआ मुझे तेरी लग जाए रूह मेरी उतड़प जाए घूमू तेरे लिए दर बदर मैं बेसबरी हूँ तेरे माहौल में खोया रहूं Cleo likes the court. Wow. Wow, King, pata tere saath abhi kya hua? Public approved. Janta. Wow, man. Abhi bas yehi hai ki you go out of breath. Sirf yehi problem hai. Uske alawa writing bahut better ho sakti hai. Kai jagah tune wo jaise rhyming scheme hai wo chhod di beech mein. Par acha pata hai ki jab chhodi na to melody ke saath chhodi. इसलिए वो नजरअंदाज हो गए चाहे तो मुझे चुप से सुने फिर गाएगा वो भी जो मुझे अभी नहीं जानता सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है वाओ मैन बोलो मैं बाकी के लिरिक्स पढ़ना चाहता हूँ मुझे तो बहुत मजा आया मतलब थैंक यू ब्रो थैंक यू जो हिसाब की तुम्हारी एनर्जी है जितना तुम पुदक रहे हो स्टेज पे और जो हिसाब से तुम रैप कर रहे हो एक एक तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तुम लेकर आओ यूपी से होने के बावजूद तुम यहाँ पर आए कि जिस तरह से रैप कर रहे हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इन्फ्लुएंस है तुम्हारा और दूसरी चीज ये है कि हाँप रहे हो थोड़ा ब्रेथ में थोड़ा इश्यू है शायद ज्यादा सिगरेट पीते हो नहीं मैं बिल्कुल स्मोक नहीं करता एक्चुअली ज्यादा एनर्जी और बूस्ट होता तो शायद इसलिए हाँ वही थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में होता है ऐसा नहीं नहीं फूकता फूकता नहीं बिल्कुल भी नहीं थी दबा सब लोग नहीं फूकते मेरे भाई देखो इशू कुछ भी नहीं है तुम जो कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो लेकिन सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे तुम ध्यान देना शुरू करो कि मीनिंगफुल राइम करो थोड़ा उसमें वर्ड प्ले बनाओ उसको थोड़ा कड़क बनाओ बाकी और कुछ नहीं है थैंक यू मैंने तुम्हारा आवाज सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सिर्फ रैप करेगा और फिर जब तूने गाया ना मेरे भाई बिंदास गाया भाई बिंदास गाया पार डाला उसने थैंक यू जितने भी हमारे पास कंटेस्टेंट्स आए हैं ये चीज बहुत कम लोगों में है कि आपको गायकी भी समझ में है आपको रैप भी समझ में है दिस इज अ प्लस पॉइंट भाई वो एक बार फिर से हो गाउन आपका सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है hey! ओ, कभी ना इनकार किया मैंने प्यार तुझसे ही किया है दुआ मुझे तेरी लग जाए रू मेरी तड़प जाए घूम तेरे लिए दर बदर मैं बेसबरी तेरे माहौल में खोया रहूं Raja, did you see how his sustained notes are so nice? I know, I was just going to say that. I agree with both of you. There's some things. Your singing voice is very good and it did surprise me. It came in very fluid. And I think hip-hop today is a fusion of rap singing, rapping. And we're looking for a superstar. So I'm really glad that you're able to go in between. Nazy, you were saying that he has a Western influence, right? Of course, somewhere. Yeah. In the way you're dressed and the way that you're acting, I see a Western influence. I'm wondering, I want to know more about where you come from. I want to know more about, you know, how you grew up and things like that. Music ka kuch aisa tha story ke jab main 5 saal ka tha, to ABCD aati nahi thi kyunki abhi liya nahi tha admission school mein. But us time pe Backstreet Boys, Venga Boys bahut peak pe the. Theek hai? तो उनके कुछ ट्रैक्स थे जो कि मैं वर्ड टू वर्ड गाया करता था और सिक्स स्टैंडर्ड तक आते आते स्कूल में मैं स्क्वायर सिंगिंग में था बट आवाज़ बहुत पतली थी तो मैम लड़कियों के साथ खड़ा कर देती थी बट कोई इशू नहीं था करते थे किस्मत वाला लड़का चश्मा उतार दे भाई
Oh, there we go. जब 12th के बाद निकले सरकारी स्कूल से पास आउट हुआ अपना, मैंने कहीं से सीखी नहीं बेसिकली, और 12वीं तक तो घर में कंप्यूटर लैपटॉप भी नहीं था, तो एक दोस्त के पास जाके बस उसके मूव्स देखता रहता था FL स्टूडियो पर वो क्या करता है. जब मैंने लैपटॉप लिया तो घर गया, मैंने उससे लिया FL स्टूडियो, मैंने करना शुरू करा. तो क्यूरियोसिटी जो है वो शुरू से इस चीज़ को लेके कि कैसा साउंड करेगी ये चीज़, तो तब से प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया. सीधा डिसीजन पे उतरते हैं, ठीक है? ठीक है. हाँ तो भाई अर्पण, तुम जितने भी अच्छे हो, तुमने जितना भी नाच के दिखाया हम लोग को यहाँ पर, हम लोग को पसंद नहीं आया भाई, तुम शॉर्ट लिस्ट में नहीं हो. चलते रहो फास्ट फॉर, जरा हवा आने दो क्या. क्या भाई समझ में नहीं आई भाषा. अभी हमने ना बहुत टैलेंट देख लिया है, तो तू शॉर्टलिस्ट तो नहीं है यार. बट अब क्योंकि मैं तेरा स्टाइल बहुत पसंद करता हूं, मैं तेरे को प्यार से ये बात कहना चाहता हूं, तू सीधा टॉप 15 में है. अच्छा किंग, टॉप 15 में सीधा आया है, मतलब एक स्पॉट उस टॉप 15 में से कम हो जाता है. अब सिर्फ 14 जगहें बची हैं, और मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, किसी को सलाह मत दियो, क्योंकि तेरे को अपना स्टाइल आगे तक लेके जाना है. वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट किंग is the first guy to enter top 15 for MTV Hustle. So are you ready for the next guy? Where are the girls? ये लड़के भी यही पूछ रहे हैं. I'm trying to say where are the women? Where are the girls? You ready? Yeah, I'm ready. I'm ready. Let's go, yeah. Hey, hey now. Hi. कहाँ से आए हो? फरीदाबाद हरियाणा. आपका नाम? एग्जी अग्रिता धवन. बहुत हार्ड. और आप करते क्या हो? मैं इंटरनेशनल बैंक में काम करती हूँ. इंटरनेशनल बैंक. बैंक यार इसको तो खतरनाक है. मुझे बैंकर्स की बहुत जरूरत है पैसा बचाने के लिए. टैक्स बहुत करना पड़ता है. मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना यार, मुझे समझा दो क्या होता है वैट और क्या होता है जीएसटी. एग्जी, आपका नाम एग्जी मतलब आग सी? एग्जैक्टली हाँ. रफ्तार नोज एवरीथिंग. मुझे जब बताया जा रहा था तब मुझे लगा एग सी अंडे जैसी. ऐसा कोई नाम नहीं रखेगा यार, ये गलत बात है. Thanks for clearing it, man. मैं बातों का संधि विच्छेद करता हूं, पर बंदी और बंदी में भेद नहीं करता. How long have you been rapping? 3 years. I put out my first song 3 years ago. So where are you going to be in 3 years? There, most probably with yes? you guys. Wow, wow. Yes, yes. Wow. I knew there was confidence in her. Yeah. That's why I asked. Axie, aap kis female rapper se prabhavit hue the? Because I personally feel aaj Raja Kumari is sitting with all three of you and she's inspiring a lot of female artists out there. Like you have no idea how many. Absolutely, absolutely. We are proud to have Raja Kumari with us. It's great.
You guys are sweet, but we need more female MCs, and that's why we have you here, Agzi. Absolutely. I guess I need to see her perform now, man. Yes, can't wait. Not let's do anything. I just I'm just wait. Waiting to hear her. Chalte hain ladkiyon taiyar ho. For this. ये गाना सारी लड़कियों के लिए ही है. गाने का नाम है औरत. So, woman empowerment. Let's go to the song and play the beat. कहूँ अब क्या है सच क्या है झूठ मेरे बारे में. खड़ी हूँ यही आके पूछ मेरे बारे में. औरत हूँ ये जात मेरी माँ ने दी. लोग ना खुश थे बात उस जमाने की रोती थी. कि क्यों मैं गृहस्थी में मुझको परवाना और भाई को इजाजत थी. हाजिरी वापिस 7 बजे की जरूरी थी. वो खड़े ताने कौन सी इज्जत गवा दी माँ. जाके पूछूंगा पूछेगा किससे तू. स्कूलों में चर्चे थे लड़कों के किस्से सुन. मरते थे रोते फिर हंसते थे. देख मुझे आज मैं ऊपर वो रस्ते पे. पर न मान आज भी मेरे बयानों का. इतना मैं पढ़ ली पर मथा गवारों का. इश्क के समंदर बस औरत घुमाने का. बस चुप वक्त औरत उठाने का. ज्वाला हूँ सीने में जो औरत के ताने ना दो. लगन में बढ़ने दो. बढ़ने 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 दो. लगन में सुन संपूर्ण ना जरूरत किसी लाले की. खुद कार हूँ इज्जत है माँ के प्याले की. करूँ शक क्योंकि फर्क माँ के सहलाने. और तेरे उस मतलब से बहला फुसलाने. मेरा सच अब टपके सरानों पे. हर लड़की रोए अब चिपका उन गालों पे. धो लूंगी मुख मेरा चढ़ दूं चट्टानों पे. क्योंकि जनता मेरी बाप है क्या देख मुझे. एक जान चाहे एक चीज भरी भीड़. ऊपर अपना नाम चले नीचे प्रजा बड़ी चीज. मेहनत दिन रात देना मुझे सीख. देख ऊपर घूरे महाकाली मेरी जीत. वक्त औरत उठाने का क्या. वक्त औरत उठाने का. झूठों के पर्दों से औरत उठाने का. सिंग विद मी क्या. वक्त औरत उठाने का क्या. वक्त औरत उठाने का. झूठों के पर्दों से क्या. वक्त औरत उठाने का क्या. वक्त औरत उठाने का क्या. वक्त औरत उठाने का. हिप हॉप में औरत उठाने का. थोड़ा डर औरत उठाने का. औरत उठाने का. पब्लिक और आवाज करो. और आवाज करो आज. अपना नाम चले नीचे प्रजा बड़ी चीज. मेहनत दिन रात देना मुझे सीख. देख ब्रो जैकपॉट है. काली मेरी जीत. वक्त औरत उठाने का. वक्त औरत उठाने का. झूठों के पर्दों से औरत उठाने का. सिंग विद मी क्या. वक्त औरत उठाने का. थोड़ा डर औरत उठाने का. एगी मेरी तरफ से हाँ. बाकी सब पूरी दुनिया जाए तेल लेने के लिए मेरी तरफ से. बातें तेरी हरकतें तेरी और स्टाइल तेरा और जनता अपनी. और जो टॉपिक आपने लिया है वो काफ़ी मजबूत टॉपिक है जिसके बारे में सबको फिक्र होनी चाहिए. और आप खुद इतना निडर होके उसको एक सही तरीके से लिख कर आपने परफॉर्म किया है. तो बिग अप टू यू. थैंक यू सो मच. और जब आपने स्विच किया ना ज्वाला वाली लाइन पे वो किलर था. तेरा स्टाइल डिलीवरी क्राउड इंटरैक्शन बॉडी लैंग्वेज यूज ऑफ वर्ड्स एवरीथिंग इज नाइस. यू नो हाउ टू मेक म्यूजिक. यू नो हाउ टू सिंग. यू आर ब्लेस्ड विद दैट. पर जो ये शब्द है ना औरत उठाने का ये सिर्फ ये टर्म गलत था क्योंकि ये ट्रांसलेट गलत हो सकता है. वक्त अब औरत उठाने का. यू कैन सिंपली से वन थिंग.
वक्त अब औरत बढ़ाने का, वक्त अब औरत बढ़ाने का. You get it? It's just that use of the right words. उसके अलावा मेरी तरफ से हाँ, रिश्ता पक्का समझो. ये ऐसे ही नहीं बोलते लोग कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है. वो होती है, सबसे पहले उसकी माँ होती है वो, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे पढ़ेगा, यू नो. मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा नाम न्यूक्लिया है, पर असली न्यूक्लिया मेरे घर पे बैठा हुआ है. अगर मेरी बीवी मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं था तब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि तू म्यूजिक बना, मैं जाके काम करूंगी. वो बलिदान एक औरत जब पैदा होती है तब सीख के ही निकलती है, और उसका इतना गुर्दा होता है कि वो एक आदमी के लिए वो बलिदान दे सकती है. हम लोग नहीं करते, और हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद गर्ज हैं, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया है. इसलिए लड़कों को सीखना चाहिए, वहां पे खड़ा रहना, एक औरत होना और उस तरीके की बातें करना गुर्दा चाहिए करने के लिए. आपको मेरा सल्यूट है. I'm very proud of you today. I told people there was so much talent in India, and I believe you just proved it right now. And that women, we can do anything the boys can do. Sometimes we do it better, and I feel like you might be able to prove that on this show. For me, it's a yes, it's a hell yes. If you don't mind, also I would want to say ki I've got a very big supporter of mine here. Theek hai? Bulaya jaye, usko bulaya jaye. He's my boyfriend, if you don't mind. Are, are. We don't mind, ask them. Do you mind? Be jealous, please. हर औरत के पीछे भी एक लड़का होता है. अगर कोई हर औरत के पीछे बहुत सारे लड़के हैं आजकल भाई. His name is Anant Sharma and I would like to call him up. Anant Sharma. We are so happy to see that you came with her. You're supporting her. और वो तो वैसी आग लगा रही है bro. I would like to offer something for you. हाँ जी. लेखकों का स्वागत है. टिकेगा वो जिसके शब्दों में ताकत है. You're the first female MC I have given it to. First ever. Means a lot. Means a lot. Apart from Raja Kumari, that is friends and family. So, we've seen many MCs on this stage, but we haven't seen anyone like you. So, obviously you're on the short list, but I have something more important to tell you. Yes. You're going straight to the top 15. Yeah, top 15, baby! लेखकों का स्वागत है. टिकेगा वो जिसके शब्दों में ताकत है. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इफ आई से शी इज गोइंग टू बी अ थ्रेट ओवर हियर मैन. आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव अ गर्ल इन द टॉप 15. यू नो दिस. दिस इज ऑल आई हैव एवर वांटेड. व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू फाइंड द फीमेल रैपर्स. आई एम हियर टू मेक श्योर दैट देयर इज अ फीमेल रैपर एंड इट्स हैपनिंग. हाउ आर यू फीलिंग नाउ मैन? थोड़ी टोपी ऊपर कर लेना, शक्ल दिखानी जरूरी है. लेट देम नो द फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप क्वींस इन द शिज. ओहो ओहो. I feel ki this is the right place and I'm so happy ki hip hop mein MTV Hustle aaya kyunki India ko iski zarurat thi, sare rappers ko iski zarurat thi, mujhe iski zarurat thi aur sari ladkiyon ko iski zarurat thi. Congratulations, you're the only female wearing one of those headphones. And the cap. Straight to the top. Ye dono ek saath kisi ko nahi mila. Now you're looking nice. It's looking complete. Chalo abhi chalte raho, chamakte raho. Indian hip hop ka revolution shuru ho chuka hai. Lots more amazing talent coming your way tomorrow. I think you're going to excel here. Salute bhai, salute. Dekhte rahiye. The hustle is on.